मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 8 में रहने वाले मोहम्मद उस्मान को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की स्वीकृति वर्ष 2016-17 में हुई थी, जहां मोहम्मद उस्मान द्वारा अपने पुराने खपड़े के मकान को तोड़कर प्रधानमंत्री आवास कार्य कराया जा रहा था, लेकिन जमीन के आपसी विवाद को लेकर काम को रोक दिया गया था। मामला अंचल मधुपुर में चला गया, जिसके बाद जांच प्रक्रिया खत्म होने के बाद पुनः आवास का कार्य शुरू किया गया, लेकिन स्थानीय कांग्रेस के पूर्व मधुपुर नगर अध्यक्ष मोहम्मद सादिक उर्फ शाम द्वारा मोहम्मद उस्मान से प्रधानमंत्री आवास बनाने को लेकर पैसे की मांग का आरोप मरियम बीबी ने लगाया है। उन्होंने बताया वार्ड पार्षद शबाना प्रवीण के पति मोहम्मद सादिक उर्फ शाम के द्वारा 20,000 रूपए की मांग की गयी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हम लोगों को भयाद में आपसी विवाद का निपटारा कोर्ट द्वारा हो चुका है, बावजूद इसके हमारे गोतिया के मोहम्मद खुर्शीद व मंजूर आलम द्वारा आपत्ति जताते हुए काम को रोक दिया गया। आगे बताया, बरसात के मौसम में घर टूट जाने से और इतने बड़े परिवार रहने की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मकान का निर्माण कार्य आधा हो चुका। वहीं इस बात को लेकर मधुपुर नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया, दोनों पक्षों की कागजात की जांच की जा रही है, जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने वार्ड पार्षद शबाना परवीन के पति मोहम्मद श्याम द्वारा पैसे मांगने की बात को लेकर बताया, इसकी जांच की जाएगी, जबकि वहीं वार्ड पार्षद पति पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष मोहम्मद सादिक और श्याम ने बताया, ये सरासर झूठ है, हम किसी सर पैसे की मांग किए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, ये आरोप गलत है। जो महिला मुझ पर आरोप लगा रही है, पैसा नहीं देने पर मैंने काम बंद करवाया है, ये गलत है। उस जमीन पर उन लोगों का भाइयों का विवाद बरसों से चलता रहा है, जिस कारण दूसरे गोतिया द्वारा काम को रुकवाया गया है। मधुपुर से आरपी भारत ब्यूरो इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। श्याम है, 8 के हैं, वार्ड कमिश्नर है, वो बोल रहा है कि 20,000 रुपया दीजिए, हम सारा काम आपको करवा दिए हैं। तो उनको हम दे रहे थे 5,000 रुपया, बोला 5,000 नहीं लेंगे, एक बार में हम 20,000 रुपया लेंगे। तो बोला ठीक है, आप 20,000 नहीं दीजिएगा तो आपको काम हम रुकवा दे रहे हैं। तो हम लोग बोले ठीक है, आप रुकवा दीजिए। जैसे भी हम फिर गए सीओ के पास में कि देखिए ऐसे ऐसे, फिर सीओ के पास में हम लोग गए, बोले बाबू ऐसे ऐसा बात है। तो श्याम के बोला कि काहे आप लोग ऐसे पूरे गरीब पर कर रहे जी। तो फिर जाके हम लोग कागज पत्र दिखाए, सारा सीओ को दिखाए, जाके सीओ हम लोग के परमिशन दिया कि देखिए आप सैन उन सब कर दिया कि इंद्रावास से ठीक है, आपको भेगनी लोग टेटल सूट केस किए हैं तो जमीन पर किया, आप पुराना घर बना रहे हैं तो अपना पुराना घर बनाइए। तो वहां से हम लोग के परमिशन मिल गया सीओ तरफ से, और कागजात है हमारे पास में। तब हम लोग पैसा उठाए भुगतान, और हम तोड़ दिए दो खपड़ा घर, तोड़ दिए वो बरंडा था, हम लोग तोड़ दिए, तोड़ के हम घर पर हाथ लगाए। अब खुर्शीद यार मंजूर आलम जाके यार के बल चलो, इन लोग के घर नहीं बनने देंगे, किसी हालत पर नहीं बनने देंगे घर, इसको जैसे भी होगा इसको लपटो ये टेटल सूट वाला में। तो हम तो टेटल सूट केस किए, किसने रोका था? आके रोका थाना वाला, क्या बोला? काम रोक दीजिए, अभी काम नहीं होगा, काम रोक दीजिए, जब तक आपको अभी नहीं होगा, कोर्ट दोबारा जाएगा आपको, तब कोर्ट में फैसला होगा तभी काम होगा। तो हमने जवाब दिया क्या है, हम कोर्ट जाएंगे, हम तो अपना घर पुराना तोड़ के बना रहे हैं, हम जमीन पर नहीं बना रहे हैं, जमीन इतना खुला, हम जमीन पर नहीं बना रहे, अपना पुराना घर तोड़ के बना रहे हैं हम लोग गरीब। अब क्या चाहते हैं बताइए? हम चाहते हैं कि गरीब के विकलांग के कॉलोनियां आए हुए हैं, ये कॉलोनियां हम लोग के सर छिपाने के लिए हम लोग के जगह चाहिए। 6 बहू है और 6 बहू 25 गो मेरा बाल बच्चा है बाबू। शबाना प्रवीण जो है वार्ड पार्षद, उनके पति के द्वारा पैसा की डिमांड किया जा रहा है, हम इसकी जांच करवा रहे हैं, और दोनों पक्ष और विपक्ष दो पार्टी है, उसमें कुछ लीगल्स मैटर है, उसका रिपोर्ट हमने अपने वकील से लीगल ओपिनियन मांगा है, मांगकर ये बात प्रमाणित होगी तो मैं उनके ऊपर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करूंगा और उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए मैं कार्रवाई करूंगा। आपको बता दूं कि मैं मधुपुर कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष, मेरा नाम श्याम हुआ, मैं जब सोशल वर्कर हूँ तो इल्जाम लगना स्वाभाविक है, कोई भी इल्जाम लगा सकता है, हमसे हम लोगों को कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि ये 2016-17 का स्कीम है, तो क्या कोई पैसा मांगने की वजह से काम रुक जाएगा? आज तक 4 साल हो गया, काम क्यों नहीं हुआ? हम पर इल्जाम लगा है कि पैसा मांग रहा है, ठीक है, ये पैसा मांग रहे तो पदाधिकारी इसका जाँच करते हैं, तो आपका घर तो बन जाना चाहिए। ये सब गलत बात है, कहीं कोई पैसा का बात नहीं है, इन लोगों का जमीन का विवाद है, आपस का जमीन का विवाद है, इसके चलते आज 4 साल तक इनका आवास प्रधानमंत्री आवास रुका हुआ है, पैसा का कहीं कोई बात नहीं है।
ये एसडीओ सिविल एसडीओ साहब जानते हैं, स्कूटिव साहब जानते हैं, सीओ साहब जानते हैं कि इन लोगों का 4 साल क्या 20-50 साल से चल रहा जमीन का विवाद। ये गलत इल्जाम लगाया गया, कोई बात नहीं है, कोई भी इल्जाम लगा सकता है, जांच का विषय है। स्कूटिव साहब को पता है कि क्या नाम है सैंपल जो इल्जाम लगा है सरासर गलत है, उनको मालूम है इन लोगों का जमीन का विवाद चल रहा है। जबकि सीओ साहब, ये सीओ का अमीन जो है वो स्पष्ट रूप से अपना रिपोर्ट दे चुके हैं कि जब तक इस जमीन पे विवाद है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक इस स्थल पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। ये सीओ निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।